पीते, ये त्रिक पात्र क्यों मेरे नीते नीते, सोना मुखड़ा गुलाब दे फुल बनेगा, बल्ले 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 शाम मेरा चंद बनेगा, 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 ओ सोना मुखड़ा गुलाब दे फुल बनेगा, सोना मुखड़ा गुलाब दे फुल बरगा, सोना मुखड़ा गुलाब दे फुल बरगा, सोना मुखड़ा गुलाब दे फुल बरगा, ओ बल्ले बल्ले निशाम मेरा चंद बरगा, 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 बल्ले बल्ले हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, 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 करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। जय जय श्री राधे, श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक बार दीक्षा दो, सभी बोलो श्री हरिदास, श्री हरिदास, फिर बोलो श्री हरिदास, श्री हरिदास, फिर कहिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, जय श्री हरिदास। जैसा हमको पता चला है कि 2006 तक ये सम्मेलन, ये संकीर्तन की सभाएं 50 वर्षों से अनवरत चलती आई, और 2006 के बाद कुछ समय का विराम रहा, और इस वर्ष फिर से श्री जी के कृपा पात्र हमारे श्री प्रतीक बच्चन जी की पराग जी को श्री जी ने प्रेरणा की, और आप सबके सहयोग से ये उत्सव फिर से आरंभ हो रहा है। तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे, जैसा कि आपके पूज्य दादाजी श्री श्री 1008 सिद्ध योगी बच्चननाथ जी महाराज की यह फुलवाणी है। देखो, संत महापुरुष तो एक बगिया खिला करके उस उद्देश्य को पूरा करके ठाकुर जी के निज धाम पर चले जाते हैं। संतों का एक उद्देश्य है सबके भीतर भक्ति के उस पौधे का बीजा रोपण करना, और 50 वर्षों तक ये संकीर्तन की सभा, यहाँ कौन कौन नहीं आया इस संकीर्तन सभा में, जैसा कि हमें पता चला
बड़े बड़े महापुरुष संत महाज्ञानी रसिक वैष्णव जन खूब पधारे हैं। और फिर से एक बार श्री जी की कृपा से ये शुभ संकल्प आपके भाव से पूरा होने जाना है। फिर से एक बार संकीर्तन की सभाओं का क्रम इस परिसर में आरंभ होने जा रहा है। तो हम निवेदन करें कि आपके पूज्य दादाजी के द्वारा लगाई गई इस फुलवारी की जिम्मेदारी वह तो फुलवारी लगाकर के ठाकुर जी के नित्य धाम में पहुंच गए, लेकिन आपका हमारा कर्तव्य है संत भक्त वैष्णव जन जो फुलवारी लगाए उसको एक लोटा जल तो रोज हमें भी देना चाहिए, ताकि वो फुलवारी पुष्पित रहे, पल्वित पल्लवित रहे, महकती रहे। इसलिए हम निवेदन करेंगे, आज चर्चा हो रही थी कि अब ये अनवरत रूप से श्री जी की कृपा से ये संकीर्तन प्रतिवर्ष होता रहे, हम भी प्रार्थना करें ऐसा हो और श्री जी कृपा करें, क्योंकि उनकी कृपा से ही होगा। लेकिन वर्ष में एक बार कीर्तन से बात नहीं बनेगी जी, ये तो वर्ष में एक बार कीर्तन इस स्वरूप में महोत्सव के रूप में प्रकट होगा। लेकिन हम आपसे प्रार्थना करें ये कीर्तन नित्य आपके घर में होना चाहिए, भले ही आप 10 से 15 मिनट बैठ करके अपने ठाकुर जी के सामने राधा नाम सुनाओ, लेकिन कीर्तन का बीजारोपण जो संतों के द्वारा आपके मध्य किया गया है, हृदय में किया गया है, उस फुलवारी को आप 10 15 20 मिनट के कीर्तन नित्य करने से एक लोटा जल देने के बराबर वो बात होगी। और जब किसी पौधे को नित्य एक लोटा जल मिलता है तो वो पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, सुगंध फैलती है। और हमें ऐसा लगता है अगर आप इस कीर्तन में आपको क्या प्रसाद मिलेगा ये मत सोचना, कीर्तन के बाद प्रसाद मिलता है, लेकिन हम अपनी तरफ से आपको इस 2 दिन के कीर्तन का प्रसाद यही देते हैं। श्री जी ऐसी कृपा करें इस कीर्तन के विराम पर आपको प्रसाद स्वरूप नित्य का कीर्तन मिल जाए, नित्य का कीर्तन मिल जाए, आप कीर्तन के अधीन हो जाए और बस उन स्मृतियों में खोकर के आपका जीवन राधा में कृष्णमय हो जाए। आइए, जैसा कि बचपन से ही वृंदावन से आपका संबंध जुड़ा हुआ है, बिहारी जी से मिलने की वो तड़प जगी थी। और वो तड़प हमको जब पहली बार वृंदावन लेकर के गई थी, उस पहली बार की यात्रा का सुख कैसा था, वो अनुभव कैसा था, बाद में तो फिर आना जाना आरंभ होता है तो जानकारी भी बनती है, परिचय भी बनता है, सब सहज सुलभ होता है। लेकिन जब हमें कोई वृंदावन में जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, जब पहली बार वृंदावन गए तब उस यात्रा का सुख कैसा होगा, अनुभव कैसा होगा। बैठ जाओ बैठ जाओ, दिख नहीं रहा, बैठ जाओ बैठ जाओ। हम सब अपनी उन स्मृतियों में खो जाए, मंदिर में जाओ
तो गोसाई जी खूब दरिया भर के प्रसाद भी दे देते हैं, बिहार जी की खूब प्रसादी माला गले पे डाल देते हैं, पटका भी दे देते हैं, इकलाई भी दे देते हैं। बिहार जी की एक एक प्रसादी वस्तु सहज में इनके प्रेम से हमें प्राप्त होती है। लेकिन उस पहले दर्शन को याद करो जब जगमोहन से पुजारी जी पेड़े का प्रसाद उठाते हैं और उस एक पेड़े को पाने के लिए हाथ ऊपर करके उछलते हैं। शिव बिहार जी की कृपा से हमें वो प्रसाद मिल जाए, हमें वो प्रसाद मिल जाए। वो सुख कैसा था, वो आनंद कैसा था, उन कृतियों में खोइएगा। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद सभी को राधे राधे, जय बिहार जी की। सुहाना याद आता है मुझे, वो आज भी
मथुरा वासी हो, इस खुले के में मत रहना कि आप कहीं और के वासी हो। जिस प्रकार जहाज का पंछी लौट कर वापिस जहाज पे आता है, उसी प्रकार अगर हमको वृंदावन से प्रेम है, अगर हमको श्री बिहारी जी से प्रेम है, तो ये शरीर चाहे कहीं भी रहे, एक ना एक दिन हमको वृंदावन मिलने वाला है। हम वृंदावन के थे, हम वृंदावन के हैं, हम वृंदावन के रहेंगे, इस विश्वास पर दोनों पूजा उठाकर कहता हूँ मेरो वृंदावन। सास वो परसों बुला लाया।